जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे वो आपको बड़ी गहरी बातें बताएगा। आप जानते हैं बाइबल के वचन सबके लिए एक हैं, लेकिन सबके लाइफ में पूरे नहीं होते, क्योंकि होता क्या है, जो बाइबल के वचन हैं उन्हें लोगोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोगोस, जिसका मतलब है कि एक ऐसा लिखित वचन जो सबके लिए है। एक वचन जो परमेश्वर ने पत्रस को दिया, जब पत्रस ने कहा परमेश्वर मैं आ जाऊं, परमेश्वर ने कहा पानी पे चल के आ जा, उसे रेमा वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमा वचन वो वचन होता है जो परमेश्वर आपकी खास परिस्थिति में, आपके किसी चैलेंज में, आपको बीमारी है, आपको कोई दुख आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी है, उस स्थिति में परमेश्वर अपने लिखे हुए वचन को जीवित करके सिर्फ आपके दिल में उसे डाल दे, उसे रेमा वचन कहते हैं। हाँ, और रेमा वचन किसको मिलता है? वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के संग चलने वाला हो, जो पवित्र आत्मा के साथ चलता हो, जो परमेश्वर के साथ सहमत हो। आप जैसे ही उसके साथ सहमत होते हैं, परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में जीवित होता है, आप उसको बोलना शुरू करते हैं, वो रेमा वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होना, क्योंकि जितने मिरेकल्स हैं वो रेमा वर्ड से होते हैं। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं हारता, शैतान लोगोस से हारता है, वो लिखे हुए वचन से हारता है। लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स, आपकी लाइफ का छुटकारा, वो रेमा वचन से आता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन जिंदा रहेगा। जब परमेश्वर को उसने कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे वचन में लिखा है, वो तेरे स्वर्गदूतों को भेज के उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगेगी, यीशु मसीह ने कहा शैतान लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। लिखा हुआ वचन भी पढ़ना जरूरी है, और उस लिखे हुए वचन को परमेश्वर का आत्मा कब रेमा बना देगा आप देखते रह जाएं। आमीन। वो रेमा आपके बीवी के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, वो आपके फाइनेंस के लिए हो सकता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। आमीन। ये परमेश्वर